ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, इसको जन सैलाब का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर अशोक रावत जी। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ ओल्ड एज काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोग हैं और यहाँ ये हमारे बीच में जो कमांडर अशोक जी इनका नेतृत्व कर रहे हैं, इनकी क्या मांगे हम इनसे जानकारी लेते हैं। अशोक जी, ये जो आप जन सैलाब लेके आए हैं तो क्या मांगे, किन मांगों को लेके आए हैं आप? देखिए, यहाँ जो लोग जमा हुए हैं वो 60 साल के तक से 80 साल तक के उम्र वाले लोग हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं, हर प्रांत के लोग इसमें हैं और इन सभी की एक ही मांग है कि जो इनकी आत्मसम्मान, जो हमारी इज्जत है वो बनी रहे। हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ये असंगठित कामगार क्षेत्र के पेंशनर भाई हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक एक पैसा करके पेंशन के लिए सरकार के पास पैसा जमा किया है और ये पैसा जमा करने के बाद आज सरकार उनको सिर्फ 200 से 2000 रुपए पेंशन देती है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में केंद्र सरकार राज्य सरकार का कर्मचारी पैसा जमा नहीं करता फिर भी उसको बहुत सारी पेंशन है। इधर हमारा पैसा जमा करके आज हमें पेंशन नहीं या नहीं के बराबर है और वो भी 60 साल की उम्र के बाद, तो क्या चाहती है सरकार? 1000 रुपये में दो आदमी का गुजारा कैसे होगा, बीमारियों का इलाज कैसे होगा? तो हमारा कहना है, हमारी जो मांगे है वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था 31 अक्टूबर 2016 में, उस निर्णय के तहत पूरी वेतन पे, पूरी सैलरी पे उनको पेंशन देनी चाहिए। इस पर EPFO जो सरकारी ऑफिस है उसने बदमाशी की है और उसको घुमा के पेश करके आज सभी लोगों को हायर पेंशन से वंचित रखा गया है। हम चाहते हैं वो सर्कुलर वापिस हो, दूसरी हमारी मांग, और सर्कुलर वापिस हो के सभी ज्येष्ठ नागरिक को जिनको फ़ायदा है उनको हायर पेंशन मिले। दूसरी हमारी मांग है, हायर पेंशन में सभी लोग नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं जो उनका फ़ायदा ज़रूर ले, लेकिन जो उसमें नहीं आते या जिनके पास भरने के लिए पैसा नहीं है या जो भी कारण है, मिनिमम एनहांस्ड पेंशन हम सरकार से चाहते हैं सभी के लिए 7500 और उसके ऊपर महंगाई भत्ता। और अगर वो 7500 और महंगाई भत्ता नहीं दे पाते तुरंत, तो 5000 और महंगाई भत्ता वो तुरंत लागू करें, बाकी हम लड़ते रहेंगे। लेकिन आज हमारी उम्र ढलती जा रही है, हमारी एक सभा का आदमी दूसरे सभा में नहीं दिखता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर तुरंत निर्णय हो और इसी सेशन में पार्लियामेंट के हो। इसलिए कल मंत्री जी से हमने मुलाकात की, पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनके सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने आश्वासन तो कुछ दिए हैं लेकिन वो पूरे करने की बात है, क्योंकि आश्वासन तो सब देते हैं लेकिन हमारे पास वेट करने के लिए उम्र नहीं है। हम चाहते हैं कि ज्येष्ठों का घर में और समाज में और देश में सम्मान हो। ये सम्मान तभी हो सकता है जब हम इस लायक रहे कि अपनी पोती को 500 रुपये का फ्रॉक खरीद सके। इसीलिए ये हमारी लड़ाई है। ये जो सभी लोग हैं 60 साल से ऊपर है और 80 साल के तक की उम्र के लोग हैं। सर, ये सभी लोगों ने जो बनियान पहन रखी है EPS 1995 और ये जो मैं दिखाना चाहूँगा EPS 1995, इसके तहत क्या है, क्या शो होता है, इससे क्या प्रकट होता है? इससे ये प्रकट होता है कि EPS 95 स्कीम में जो रहने वाले लोग हैं एक प्रकार से वो तो पूरे देश में फैले हैं। हम भारत जोड़ रहे हैं, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत हमारा नारा है, सर्वेशाम मंगलम भवतु हमारा ब्रिदवाक्य है। तो हम देश को जोड़ रहे हैं, जो ये बनियान है वो हमारी एक तरह से एक अलग पहचान है, हमारी एक तरफ की जाति है। EPS 95 चाहे वो झारखंड का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, वो एक है। ये बुजुर्ग भारत है, ज्येष्ठ भारत है और ये ज्येष्ठ भारत ये बनियान पहन के ये दिखाते हैं कि हमारी एकता क्या है। आगामी योजना क्या रहेगी? आज आपका ये जन सैलाब तो सरकार तक पहुंच चुका है, आगे आने वाले समय के अंदर अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता है तो आगामी योजना क्या रहेगी? हमारा बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है, अगर सरकार ने हमें इसी सत्र में न्याय देना है, ज़रूर देना है, क्योंकि ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 60 साल के ऊपर वाले आदमी आज भूखे हैं या बीमार है। ये आप लोग देख रहे हो, ये लोग आ पाए हैं, इस स्थिति में हैं। हजारों लाखों लोग ऐसे कि जो यहाँ पर आ भी नहीं पाते, इनकी सांपत्तिक स्थिति, आरोग्य की स्थिति बहुत ख़राब है।
ये सिर्फ आप रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देख रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार इसी सत्र में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करे, और अगर नहीं होता है तो हम हर सांसद के घर के सामने पूरे हिंदुस्तान में धरना देंगे और उनको बोलेंगे हम बुजुर्ग है, हम जिंदा है, एक के पीछे दस है, हम बोलेंगे भैया हमारा काम कर या हमारे काम के लिए संसद बंद कर, अगर वो किया तो तुझे 100 मार्क, तू पास, और नहीं तो तुझे फेल करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। वो सांसद चाहे किसी पक्ष का हो, किसी पार्टी का हो, उससे हमें मतलब नहीं है। आप हमारा काम करो, हमारे लिए आवाज़ उठाओ। अपनी पेंशन दुगनी करनी थी, आपने तो 5 मिनट में कर ली। तो ये जो लोगों ने पैसा जमा किया है उनकी पेंशन अगर आप नहीं कर सकते तो आपको संसद रहने नहीं देंगे हम सांसद। हम आपके खिलाफ़ काम करेंगे, प्रचार करेंगे, घर की रोटी खा के करेंगे।